हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 13 है। अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाई 3 वी गेट 18/11, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड टू गेट 2/5, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में क्या रहता है कि न्यूमरेटर रहता है और डिनोमिनेटर रहता है। अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी एक्स, और जो डिनोमिनेटर हमारा होगा वो क्या मानेंगे हम, डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, अगर न्यूमरेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई है तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, ऊपर क्या रहता है न्यूमरेटर रहता है और नीचे क्या रहता है डिनोमिनेटर रहता है, यानी फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा एक्स बाई वाई। अब ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ़ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई करना है एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाई 3, और डिनोमिनेटर में हम 3 को माइनस करेंगे, वी गेट 18/11। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पहले कहा गया है कि इफ़ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, या न्यूमरेटर हमारा एक्स है, इस पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा अपॉन में डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाई 3, या डिनोमिनेटर वाई माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा फ्रैक्शन क्या फॉर्म होगा, 18/11 का। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करके। तो ये 3x है, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33x। 11 का यहाँ पे पहले 3x, इसको लिख लेते हैं हम 3x अपॉन वाई माइनस 3 इक्वल टू 18/11 है। अब इसको हमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 33x आ जाएगा, और फिर 18 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 18y, फिर यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस लग जाएगा, 18 3 जा कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे सब 3 के मल्टीपल है, यानी 3 1 जा 3, सब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे हम, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 3 6 जा, यानी 6y माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको इस साइड लिख चले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 11x, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 6y, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया, 11x माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारा क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट है, बट इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8, अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8, इंक्रीज मतलब वहाँ पे हमें क्या करना, प्लस 8 करना है, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, यानी डिनोमिनेटर डबल हो गया है, तो हमें फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 2/5 का। तो पहले न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8, न्यूमरेटर हमारा x, इसमें हम 8 को इंक्रीज करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 8 इसका मतलब, और डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डबल्ड यानी 2y हो जाएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5 का। अब यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसको भी हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 5x, 5 8 जा 40, 2 2 जा 4y, यहाँ से हमें ये मिल गया। हम y को इस साइड लेकर आएंगे तो 5x हो गया, प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट ये और सेकंड ये,
अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे प्लस 18 था, इस साइड जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 11x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18 एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 14। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हमें क्या हम क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता था उसको सेम करते थे। तो यहाँ पे हम अगर हम वाई वेरिएबल ले लेते हैं तो यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 जो 24, यहाँ पे भी 24 आ गया और 4 6 जो 24, यहाँ पे भी 24 आ गया, यानी वाई वेरिएबल का जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में करेंगे हम एंड बाई 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे हम। 6 को हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे और 4 को हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 11 into 4 करेंगे तो 44x आ जाएगा। 6 into 4 माइनस 24y इक्वल टू 18, 4 जा कितना होता है माइनस 72 होता है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस लगा दिया, 18 4 जा 72 होता है। अब यहाँ पे 5 6 जा 30x, 4 6 जा 24y और 40 into 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 240 और माइनस का साइन लगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है इसीलिए तो हम सेम करते हैं वेरिएबल को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और माइनस करने पे सबका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस 24y और प्लस 24y कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 44x माइनस 30x, इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14x, सॉरी हमें प्लस रहेगा क्योंकि प्लस वाला ग्रेटर है। तो यहाँ प्लस 14x इक्वल टू 240 माइनस 72 करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 168 अपॉन 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये हमारा x की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करें, अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हम करेंगे क्या, किसी भी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में अगर हम x की वैल्यू को 12 रखेंगे तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 11x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18। 11x के प्लेस पे क्या रखना है, 12 रखना है, माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18। ये हो जिसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 132 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25। तो हमारे x की वैल्यू 12 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई है। ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया, हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और हमें फाइंड क्या करना था, फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू हमने क्या माना था, x बाई वाई माना था, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और y की वैल्यू कितनी है, 25, तो यहाँ पे 12/25 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।